दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से लगातार काफी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आती है और सारी बड़ी खबरें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जो कि एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से जो भी बड़ी छोटी मोटी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आती है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले कि SC20 लीग के अंदर एमआई की टीम के लिए कौन से खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और एमआई की टीम को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं तो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से वीडियो हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें कल के दिन यानी कि SC20 का पहला मैच होते हुए नजर आया पारल रॉयल्स के बीच में और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच में। और मुंबई इंडियंस की टीम की जो टीम थी एमआई कैप्टन की टीम, उसने इजिली इस मैच को विन कर लिया है। दोस्तों पहले पारल रॉयल्स की बैटिंग थी और उन्होंने एमआई कैप्टन की टीम को लक्ष्य करने का पीछा दिया था, यानी कि 143 रन बनाए थे पारल रॉयल्स की टीम ने। और मुंबई इंडियंस की टीम के जो खिलाड़ी थे उन्होंने इजिली इस रन को चेस कर लिया है। और दोस्तों एमआई की टीम के लिए काफी सारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसमें नाम निकल कर आता है जोफ्रा आर्चर का, जिन्होंने गेंदबाजी काफी कमाल की उस मैच के अंदर। और ऐसा लगा ही नहीं कि जोफ्रा आर्चर 1.5 साल से बाहर थे और दोस्तों इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो जोफ्रा आर्चर की परफॉर्मेंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अगर दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है डेविड ब्रिविज। दोस्तों डेविड ब्रिविज अब हमें एमआई की टीम की प्लेइंग 11 में भी दिखने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर, क्योंकि खिलाड़ी इतना कमाल का है कि इस खिलाड़ी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और दोस्तों 70 रनों की पारी के लिए एमआई कैप्टन की टीम के लिए, तो डेविड ब्रिविज एमआई की टीम के मैनेजमेंट को लगातार अपने परफॉर्मेंस से खुश कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें डेविड ब्रिविज भी अब एमआई कैप्टन मुंबई इंडियंस की टीम की जो टीम रहने वाली है इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर, यानी कि मार्च या फिर दोस्तों अप्रैल या फिर मई के महीने में हमें एमआई की टीम के हर प्लेइंग 11 में खेलते हुए दोस्तों डेविड ब्रिविज दिखने वाले और जोफ्रा आर्चर भी खेलते हुए दिखने वाले और कैमरॉन ग्रीन भी, जो कि मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी है और टीम डेविड, सभी हार्ड हिटर बल्लेबाज हमें एमआई की टीम के अंदर खेलते हुए दिखने वाले। तो दोस्तों एमआई की टीम हमें काफी मजबूत नजर आ रही है आईपीएल 2023 के सीजन के लिए। और आईपीएल 2023 के सीजन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम के जो बिग टिकट प्लेयर है यानी कि डेविड ब्रिविज, जोफ्रा आर्चर, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे। और दोस्तों खासकर जोफ्रा आर्चर का पर्सनली मुझे काफी अच्छा परफॉर्मेंस लगा। वैसे आप लोग कितनी रेटिंग देने वाले हो जोफ्रा आर्चर के इस परफॉर्मेंस को, क्योंकि एमआई कैप्टन की टीम के लिए उन्होंने किया, तो आप अपने रिकमेंड जरूर करें कि आप 10 में से कितने नंबर जोफ्रा आर्चर के इस स्पेल को देने वाले हो, जो कि उन्होंने कल फेंका पारल रॉयल्स की टीम के खिलाफ। तो आप अपने रेकमेंड जरूर करें। और दोस्तों एमआई की टीम की ओर से जो भी बड़ा अपडेट आता है सबसे पहले हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही दे देते हैं। और दोस्तों हर मैच हम जो SC20 का रहने वाला है उसे हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट करने वाले। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।